यस फ्रेंड्स, वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर समय रहते की गई देखभाल आगे जाके हमको बड़ा काम आ सकती है। यही बात आज के वीडियो के लिए सही है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे शुरू शुरू में जब दांतों में दर्द होता है तो अब आप पेशेंट डेंटिस्ट के पास रिपोर्ट करता है तो हम रूट कैनाल यानी कि RCT करके पेशेंट के कुदरती जो नेचुरल टूथ है उसको सेव करते हैं और उसको उसमें खाना चबाने में काफ़ी आसानी रहती है। तो आज के वीडियो में समझेंगे कि RCT क्यों करते हैं, कब करना पड़ता है, RCT कराने के क्या फ़ायदे हैं, स्टेप बाय स्टेप RCT का प्रोसीजर भी हम समझेंगे और RCT के साथ जुड़े जो कॉमन सवाल है हमारे, क्वेश्चंस रहते हैं जो पेशेंट्स को, उसका भी हम आंसर देंगे। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। यस फ्रेंड्स, तो बात करते हैं कि रूट केनाल प्रोसीजर या तो RCT करना हम कब सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स को। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं क्विकली बता देता हूँ कि अपनी दांतों के अंदर तीन लेयर होते हैं। जो ये व्हाइट वाला लेयर दिख रहा है वो फर्स्ट लेयर या तो इनेमल कहलाता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, हड्डी जितना स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा लेयर है जो स्लाइट येलोइश है उसको डेंटिन बोलते हैं और तीसरा जो भाग है वो नसों का भाग रहता है, रूट केनाल जिसको हम बोलते हैं। तो ये नस का लेयर है वो थर्ड लेयर होता है, उसको हम पल्प के नाम से भी जानते हैं। अब होता क्या है कि जब दांतों में सड़न लगना स्टार्ट होती है तो सबसे पहले सड़न है वो फर्स्ट लेयर तक सीमित रहती है, तब पेशेंट को कुछ भी तकलीफ या तो दर्द नहीं होता है, खाली गड्ढे जैसा बन जाता है और खुराक फंसता है। और थोड़ा गहरा जब सेकंड लेयर के स्टार्टिंग तक सड़न पहुंचती है तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे जैसे लेयर जो सड़न है वो थर्ड लेयर के नज़दीक पहुंचती है तब शुरू शुरू में ठंडा गर्म लेने में तेज झंझनाहट और जब पूरा इन्फेक्शन पल्प यानी कि थर्ड लेयर तक फैल जाता है तब पेशेंट को दर्द होना स्टार्ट होता है। ये वही टाइम है कि जब जड़ों के नीचे भी इन्फेक्शन पाया जाता है। तो सेम ये लेयर में जब इन्फेक्शन थर्ड लेयर यानी पल्प तक पहुंच जाता है और जड़ों के नीचे इन्फेक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है तब हम रूट केनाल या तो RCT करने की सलाह देते हैं। अब बात करते हैं कि RCT कराने के क्या बेनिफिट्स है, क्या फ़ायदे होते हैं अगर पेशेंट कोई रूट केनाल कराता है। तो सबसे पहले जो दांतों में दर्द है वो दांतों में दर्द खत्म हो जाता है रूट केनाल ट्रीटमेंट के बाद, तो पेशेंट का दांतों का दर्द मिट जाता है। दूसरा फायदा ये है कि कुछ भी खट्टा और मीठा खाने में जो पेशेंट्स को तकलीफ होती है वो RCT के बाद नहीं होती है, खट्टा और मीठा आराम से खा सकते हैं। बाद में तीसरा बेनिफिट है कि जो गर्म खाने में या तो ठंडा खाने में तेज झंझनाहट का प्रॉब्लम काफ़ी पेशेंट्स को रहता है वो RCT के बाद सॉल्व हो जाता है। उसके चलते और एक बेनिफिट भी है कि पेशेंट का जैसे कि ये गहरी सड़न वाला दांत है वो जो धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ रहा था खुराक फंसने के कारण और धीरे धीरे करके जो अंदर से वीक हो जा रहा था वो दांत को हम ट्रीटमेंट RCT करके फिर से स्ट्रेंथन करते उसको मजबूती मिल जाती है। तो धीरे धीरे जो दांत कमज़ोर पड़ रहा था वो दांत फिर से सेव हो जाता है। और सबसे मेन बेनिफिट है अगर हम खर्चा एक्सपेंस की बात करें तो रूट केनाल करके दांत को जो सेव करने का खर्चा है वो दांत निकालने के बाद फिर से जो दांत हम रिप्लेस करते हैं उससे रूट केनाल कराने का खर्चा है वो कम आता है। तो खर्चे के तौर पे भी देखा जाए तो RCT कराने में पेशेंट को फायदा होता है और उसका जो कुदरती दांत जो नेचुरल टूथ है वो सेव हो जाता है। और नेचुरल टूथ सेव करने के बेनिफिट आप आर्टिफिशियल टूथ से तो ज़्यादा ही होते हैं, वो बात समझ सकते हो। अब बात करते हैं कि रूट केनाल प्रोसीजर जो RCT है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ये जो सड़न वाला पोर्शन है उसको हम छोटे से ड्रिल से जिसमें एक वाटर स्प्रे भी होता है उससे सड़न को पहले साफ़ करते हैं। तो जैसे ही ये सड़न साफ होती है उसके बाद जो इन्फेक्शन वाला भाग है जो नस का पोर्शन है वो ओपन होता है, इसको बोलते हैं रूट केनाल ओपनिंग। अब होता क्या है कि जैसे ही इन्फेक्शन वाला भाग हम नस तक पहुंचते हैं तो उसको धीरे धीरे हम क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम हमारे क्लिनिक में ये जो अल्ट्रा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो एंडोमोटर है वो काफ़ी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आता है उसको यूज़ करते हैं। करते कैसे है तो ये जो सड़न वाला भाग क्लीन करने के बाद जो नस ओपन होता है उसका शुरू का पोर्शन जो जड़े की नस होती है वो थोड़ा थिक यानी कि मोटा रहता है तो उसको हम ज़्यादा RPM की स्पीड से मशीन से क्लीन करते हैं। जैसे जैसे ही हम नीचे नस तक क्लीन करते पहुँचते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका मोड ऐसा सेट होता है कि धीरे धीरे हम स्पीड को स्लो डाउन करते हैं। उसको क्लीन करने के लिए हम ऐसे नीडल जैसा दिखने वाला
फाइल्स बोलते हैं इसको, उसकी मदद से धीरे धीरे करके जो जड़ के नीचे तक का इन्फेक्शन है वो क्लियर करने के लिए क्लीन करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पे आप थर्ड फोटो में देख सकते हो कि जो जड़ है वो एकदम नीचे तक हम क्लीन करके उसको क्लीन कर दिए हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम पहले सॉलिड इंस्ट्रूमेंट से रूट कैनाल को क्लीन करते हैं। लेकिन ये क्लीनिंग इम्प्रॉपर इसलिए माना जाता है क्योंकि काफ़ी सारे बैक्टीरिया और इन्फेक्शन है, खाली जो ये नीडल या तो सॉलिड इंस्ट्रूमेंट से क्लीन करते हैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो उसको और अच्छे से क्लीन करने के लिए, बैक्टीरियाज या तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए 3-4 अलग अलग तरह के केमिकल या तो लिक्विड्स होते हैं कि जिसकी मदद से हम लिक्विड्स को यहाँ पे रूट कैनाल के अंदर यूज़ करके उनको एक्टिवेट करते हैं कि जिससे इन्फेक्शन को पूरी तरह से क्लियर किया जाए। काफ़ी सारी रूट कैनाल्स में 2 या तो 3 सीटिंग होते हैं, मल्टीपल सीटिंग रूट कैनाल होती है, उसमें 2 सीटिंग के बीच में इंट्रा कैनाल मेडिकमेंट्स यानी कि एंटीबायोटिक का ड्रेसिंग हम इधर रूट कैनाल के अंदर अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी जो इन्फेक्शन है अच्छे से क्लीन हो जाता है। एक बार जब इन्फेक्शन क्लियर हो जाए तब उसको जो नसें हैं उनको हम डुप्लीकेट नस यानी कि एक रबरी मटेरियल, एक बहुत ही अच्छा बायोकम्पेटिबल गट्टा पर्चा करके एक मटेरियल आता है, उससे हम डुप्लीकेट नस यानी कि आर्टिफिशियल जड़े लगाते हैं, फिट करते हैं। और जब नसों को हम फिट करते हैं उसकी ऊपर का जो गड्ढा है, जो सडन साफ करने के बाद का जो कैविटी था, उसको अच्छी क्वालिटी के लाइट की और फिलिंग से हम पैक करते हैं। उसके बाद अपना जो दांत है वो रूट कैनल ट्रीटमेंट कंप्लीट करके आगे जाके कैप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है। तो इसकी बाद का जो स्टेप है वो कैप करना रहता है। अब हम क्या करते हैं, रूट कैनाल एक बार कंप्लीट होने के बाद दांत को शेप करते हैं, उसके लिए दांत को थोड़ा ट्रिम करना पड़ता है, दांत को शेप करके उसके ऊपर कैप लगाते हैं, कैप बिठाना पड़ता है। इसका रीज़न ये है कि जब रूट कैनाल करते हैं तो दांत को अंदर से हम दांत की नसों को क्लीन करते हैं, तो दांत को अंदर से न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए हम कैप लगाते हैं। अब RCT के बाद कैप क्यों लगाते हैं उसको डिटेल में आप जानने के लिए आई बटन पर जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप उसका एक डिटेल्ड 7-8 मिनट का वीडियो देख सकते हैं। कमिंग टू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, रूट कैनाल के साथ जो कॉमन सवाल जुड़े हुए हमारे हर एक पेशेंट्स को मन में रहता है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि रूट कैनाल या तो RCT कराने के टाइम पे दर्द ज़्यादा होता होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा एकदम से नहीं है। जब हम रूट कैनाल करते हैं तब दांतों की जड़ों के अंदर नस को क्लीन होता है, जो हम एक एनेस्थेशिया यानी कि एक छोटा सा सुई वाला एक इंजेक्शन देके करते हैं, तो ड्यूरिंग रूट कैनाल कोई भी टाइप का दर्द या तो पेन नहीं होता है। दिस इज 100% पेनलेस प्रोसीजर। दूसरा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ही आता है कि RCT करने के टाइम पे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ऐसे दर्द तो कम हो जाएगा, लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद यानी कि 15-20 दिन या तो कुछ महीने में ही वापस दर्द होता है, तो हमको दांत निकलवाना पड़ता है। तो ये भी एक मिथ है, ऐसा नहीं है। एक बार जब हम सक्सेसफुली ये रूट कैनाल प्रोसीजर खत्म करके दांतों को फिल करके कैप करते हैं तो उसके बाद कुछ सालों तक कुछ भी तकलीफ नहीं होती है, वापस दर्द होना या तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पेशेंट आराम से वो दांत को जो नेचुरली सेव हो गया RCT से उस पर खाना खा पी सकता है, और कुछ सालों तक जब तक रीइंफेक्शन ना हो तब तक कोई परेशानी नहीं होती है। एक और एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि रूट कैनाल का खर्चा ज्यादा आता है। काफी पेशेंट्स को ऐसा दिमाग में है कि RCT का खर्चा ज्यादा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बाजू की इमेज में आप देखो, अगर हम दांत को रूट कैनाल नहीं करते और निकाल देते हैं तो उसके बाद हम जब दांत को मिसिंग दांत को रिप्लेस करते हैं, जब फिट करते हैं, तो आगे पीछे के दांत का सपोर्ट लेके हमको 3 दांत का ब्रिज बनाना पड़ता है, 3 कवर करना पड़ता है, तो उसका खर्चा रूट कैनाल करके जो कवर करते उससे ज्यादा आता है। तो RCT में खर्चा ज्यादा आता है वो भी एक मिथ है, RCT का खर्चा ज्यादा नहीं होता है।